हेलो एवरीवन, तो ये शाम वाला वीडियो है जो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो ऊपर से मैं आके फिर पैरों में अपने कलर लगाई थी। कुछ टाइम बाद मैंने डिनर बनाया था, तो डिनर में यही बना था, लौकी की पकौड़ी और बैंगन की और रोटी। तो ये देखिए, कुछ फ्राई भी करते हुए शूट किया था, तो वही क्लिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट सुबह का वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। तो अभी मैंने सबका मतलब सबको चाय नाश्ता करा दिया है और सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ लंच बनाने। आज लंच में बनाएंगे छोले भटूरे और चावल। तो भटूरे के जगह पे हमारा चावल का पूरी होगा, तो चलिए आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। और अभी मैं लंच बना कर के फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो चलिए पहले लंच बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम किचन में आ चुके हैं और चना को देखिए धुल के रख लिया है और साथ में लिया है 2 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन और कुछ हरी मिर्च और हरा धनिया। अब हम चना को रखेंगे बॉईल होने के लिए और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब मीठा सोडा, जिससे क्या होता है चना अच्छे से गल जाता है और फूट जाता है, तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। और ये देखिए, मैं 1/2 चम्मच के करीब लूँगी, इससे डालने से अच्छे से गल जाएगा। और मैं इसमें 2 या 3 आलू डालूँगी, बच्चों को आलू भी खाना है तो आलू मैं छिल के धुल के इसमें डाल दूँगी और 2 या 3 सीटी लगा के फिर मैं इसे छोड़ दूँगी। और टमाटर और प्याज और लहसुन का हमें पेस्ट बनाना है। मैं एक ही टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी, मतलब 2 टमाटर ली हूँ, कुछ पेस्ट बनाऊंगी, कुछ उसमें डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो पेस्ट बना के रख लिया है और इधर मैं आटे लगाऊंगी। तो आटा लगाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये देखिए, गर्म पानी हो चुकी है क्योंकि चावल का आटा हम गर्म पानी से ही गूंथते हैं। तो थोड़ा सा ही गूंथ रही हूँ क्योंकि चावल भी है। तो चलिए आटा गूंथ लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आटा लग चुकी है और इधर कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें डाला है सरसों का तेल, तेल को थोड़ा सा गरम करके फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब मेथी और 1 प्याज बारीक कटे हुए, और वही बेसिक मसाले जैसे धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, कलर वाला लाल मिर्च, तो वही मसाले हैं। तो ये देखिए, प्याज मैंने डाल दिया है, मेथी भी डाला है। और प्याज मेथी को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, फिर उसमें हम डाल देंगे मसाले जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, टमाटर, लहसुन और मिर्च की। तो उसे 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूंगी और मसाले को भी हम ढक ढक के भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका तेल अच्छे से छोड़ ना दे। और बाकी टमाटर भी इसमें डाल देंगे, टमाटर अच्छे से गल जाएगी। मैंने साथ ही नमक भी डाल दिया है। तो इसी तरीके से हमें भून भून के बनाना है। तो ये देखिए, मसाला भून चुकी है और मैंने फास्ट मोड पे लगाया हुआ था, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सब्ज़ी बहुत जल्दी आपने भून लिया। तो मैंने कम से कम 10-15 मिनट तक मसाले भूने थे
और उसमें मैंने फिर उबले हुए चने और आलू डाल दिए हैं। अब उसको एक मिनट में ऐसे ही भूनूंगी, उसके बाद मैं अपने टेस्ट के अनुसार पानी डालिएगा, आपको जितना ग्रेवी चाहिए मैं उस हिसाब से ग्रेवी डालूंगी, क्योंकि हमें थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा ही चाहिए, चावल भी है और पूड़ी भी है। तो चलिए देख लीजिए, और इसे मैं ढक दूंगी और एक दो उबाल लूंगी, और इधर मैं पूड़ी भी छान लूंगी। तो पूड़ियाँ मैं छान रही हूँ, और पूड़ियों को मैं थोड़ा करारे ही निकालूँगी, क्योंकि छोले के साथ हमें करारी पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं और बच्चों को भी। तो ये देखिए करारी करारी पूरियाँ। तो अभी मैं हस्बैंड के लिए थाली लगाऊंगी, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। खाने में सलाद भी है, खीरा का और चुकंदर और हरी मिर्च और पूड़ी और सब्जी और चावल। तो ये देखिए मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ, और साथ में दही भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे जाऊं, और जिस मकसद से मैं यूट्यूब पे आई हूं वो मकसद पूरा हो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, और आप लोगों को पसंद आए तो इसी तरीके से मैं मुझे प्यार और सपोर्ट अपना देते रहिए। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होता है, और लोगों के बीच जाएगा वीडियो तो और लोगों को पसंद आएगा, तो लोग भी शेयर करेंगे, तो इस तरीके से मेरी हेल्प होगी। तो बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए। तो आ जाइए, हमारे साथ थाली लग चुकी है, तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।